नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदी भाषा का क्या महत्व है और हिंदी भाषा को राजभाषा कब बनाया गया। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको राजभाषा हिंदी के इतिहास व उत्पत्ति की जानकारी हो सके। आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का महत्व। भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और लिखते आए हैं। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, जिसका प्रयोग हमारे पुराने ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों ने समय समय पर किया है। इसका प्राचीनतम रूप संसार की स्वर प्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है, अर्थात हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी का विकास अनेक रूपों में हो रहा है। यह सामान्य प्रयोग की भाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। हिंदी हमारे भारत वर्ष में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। भारतीय संविधान की दृष्टि से हिंदी हमारी राजभाषा है। अब हम राजभाषा के अर्थ को जानेंगे। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, किसी राज्य या देश की भाषा जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होती है वह राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है और केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अब हम राजभाषा हिंदी के बारे में जानेंगे। हिंदी दिवस प्रति वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इस दिन भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तभी से देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी विधिवत भारत संघ की राजभाषा है। हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएं राजभाषा स्वीकार की गई हैं। संविधान की अष्टम अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाओं को स्थान प्राप्त हुआ। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और चाइनीज भाषा के पश्चात विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से 351 के अनुच्छेदों में वर्णित है। संविधान की धारा 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी व देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री बाण गंगाधर खेर थे। प्रथम राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1957 में हुआ, जिसके सभापति श्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। हिंदी संसदीय राजभाषा समिति का गठन
1976 में हुआ। इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 20 तथा राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका संपादन श्री जुगल किशोर शुक्ल ने दिनांक 30/5/1826 को किया। इस पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ। ये राजभाषा हिंदी है, जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।